दोगी। लेकिन तुम तो बहुत जल्दी हार गई सायरा, बहुत जल्दी। हारे हुए के लिए जीत बहुत मुश्किल होती है रेहान। मुश्किल जरूर है सायका, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम ये तो सोचो, इन सब दुख और तकलीफों के बाद हम दोनों सारी जिंदगी साथ गुजारेंगे। एक तो हर बात तुम्हें बच्चों की तरह समझानी पड़ती है। अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता ना, तो क्या? तो भी तुमसे मोहब्बत ही हो जाती। जब इंसान अपने बस में नहीं होता ना, तो इश्क की इंतहा को छूकर ही सुकून मिलता है। खाला जान, जिस बात का डर था वही हुआ। अरे मेरे जीते जी ये नहीं होगा कि मां की जगह बेटी ले ले। तकदीर में अगर दुख लिखे हो ना, तो उन्हें कभी कोई बदल नहीं सकता। 20 साल बाद भी वही सदमा मुझे देखना पड़ा। देख लिया ना आप सब लोगों ने, देख लिया ना आप सबने, मैंने झूठ तो नहीं कहा था। हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ गई। बात अगर इतनी आगे ना बढ़ी होती तो रेहान आपके सामने कभी इतनी जुर्रत ना करता। हौसला करो फौजिया, हौसला करो। हमारे होते हुए तुम इतना मायूस क्यों हो रहे? तुमने कहा है ना, रेहान की तकदीर का फैसला हम करेंगे और किसी की मजाल नहीं कि वो फैसला बदले। अब तुम हौसला करो, बजाय रोने के तुम सुमेरा को तसल्ली दो, वरना वो भी परेशान हो जाएगी। तकदीरों के फैसले सोच समझ कर ही करने चाहिए। हालात का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। अरे आप तो खुश है ना, आप तो शुरू से ही उसकी हिमायत करती आई हैं। हिमायत करने में बुराई कैसी, सायका भी मेरा अपना ही खून है। आप तो चाहती हैं कि वो मनहूस मेरी बेटी के सीने पे मूंग दलती रहे। हमारा पहला और आखिरी फैसला हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता। मैं तो उसका साया भी ना पड़ने दूं अपने बेटे पर। अरे आपा, आपका बेटा तो उसके पीछे पीछे घूम रहा था, उसे तो बड़ों का अदब लिहाज ही नहीं रहा। सब ठीक हो जाएगा, हमारे लाड प्यार का उसने बेजा फायदा उठाया है। हमारी सख्ती से भी पाला नहीं पड़ा उसका। सख्ती ने तो हमेशा काम बिगाड़ा ही है। उसे प्यार से तो समझा कर देखिए, मान जाए तो ठीक है, वरना सख्ती ना कीजिएगा। तो क्या ख्याल है तुम्हारा, उसे मनमानी करने दें हम और उस मनहूस के पल्ले बांध दूं अपने बेटे को? हाँ यही मतलब है इनका। मेरे मतलब से क्या होता है फौजिया, देखना तो हमें रेहान की ही मर्जी है। अरे मेरी बच्ची सारी उम्र बिलकती रहे,
खाला जान ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। अभी कौन सा मंगनी का ऐलान हुआ है? सलाह मशवरा ही हो रहा है ना? सुमैरा को इस बात का इतना असर नहीं लेना चाहिए। अंजुम ये कोई बात है कहने वाली? तुम परेशान ना हो, हम खुद रेहान से बात करेंगे। हम तुमसे कुछ सुनना नहीं चाहते, हम तुमको सिर्फ याद दिलाते चलें कि हम सुमैरा से तुम्हारी निस्बत ठहरा चुके हैं। हमें तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये जानते हुए भी कि जब तुम्हारा रिश्ता सुमैरा के साथ तय हो चुका था, तुमने इतना बड़ा कदम उठाने की जुर्रत किस तरह की? सबके सामने तुमने खानदानी माला उठा के उस जन्म जली के गले में डाल के हमारी तौहीन की है रेहान। हम इसका सबब जानना चाहते हैं। दादी जान, अगर मेरी वजह से आपकी तौहीन हुई है तो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मेरा और सुमैरा का रिश्ता तय किसने किया था? हमने, तुम्हारे बुजुर्गों ने, और उनका हर फैसला तुम पर फर्ज है। क्यों दादी जान, मेरी जिंदगी का सवाल है। खुलकर बात करो, कहना क्या चाहते हो रेहान? यही तो मसला है दादी जान, कोई मेरी बात को समझना नहीं चाहता। तुम खुद सरी पर उतर आए हो? उतरा नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं खुद सरी पे उतर आऊं। देखो रेहान, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे ताहिर चाचा ने भी इसी तरह हमारे फैसले को नजरअंदाज किया था, और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। हमने अपने खानदान के वकार की खातिर अपनी औलाद की परवाह नहीं की। तुम्हारी हैसियत तो उससे भी कम है। तुम्हें हमारे फैसले का पाबंद होना पड़ेगा रेहान। ये नहीं हो सकता दादी जान, हम ये नहीं सुनना चाहते। दादी जान, मैं आपके फैसले का पाबंद नहीं हो सकता। सोच समझ कर फैसला करो रेहान, वरना उसके अंजाम के जिम्मेदार तुम होगे। अरे सायका, तुम इतनी रात के सोए नहीं? आप जागे हो और मैं सो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? क्या कहा दादी हुजूर ने? वही जो उन्हें कहना चाहिए था, कि मेरी मंगनी सुमैरा से हो चुकी है, और अगर मैंने उनका कहा नहीं माना तो अपने अंजाम का जिम्मेदार मैं खुद हूंगा। बाकी तुम समझ सकती हो। बहुत परेशान किया है ना मैंने आपको? सायका, तुम्हारी खातिर मैं कोई भी परेशानी मोल ले सकता हूं। मैं चलती हूँ अब, बस आपको देखे बगैर रहा नहीं गया। अब आ ही गई हो तो कुछ देर बैठ जाओ,
नहीं रेहान, अगर किसी ने हमें देख लिया तो बिला वजह तूफान खड़ा हो जाएगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है सायका, तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मजीद कोई तक पहुंचे। आपने ही तो कहा था मिलके मुकाबला करेंगे। अच्छा मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें। आप लेटिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। सायका, कभी भी मेरे प्यार पे शक मत करना, चाहे कुछ भी हो। प्यार को तो मैंने अब जाना है, सिर्फ इस बात का एहसास नहीं था कि आपके प्यार में अपनी जान की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अम्मी हुजूर समझने की कोशिश कीजिए, जवान खून है, अगर जज्बात में आकर कोई ऐसी वैसी हरकत कर बैठे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो हमारा ही होगा ना। और वैसे भी अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है। और अम्मी जान, आप तो जानती हैं कि रेहान अभी जिद में है, इस तरह तो आप उसकी जिद और पक्की कर रही हैं। अम्मी हुजूर, मैं खुद उसे समझाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे, तुम क्या समझाओगे, तुम तो खुद उसके हामी हो। आपकी खुशनूदी की खातिर उसे समझाने की कोशिश करूंगा अम्मी हुजूर, वरना मुझे तो इसमें कोई मायूब बात नजर नहीं आती। सायका आखिर हमारा ही खून है। अम्मी जान, मैं अदर भाई की बात से इत्तफाक करता हूँ। हालांकि मेरी अपनी बेटी का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, लेकिन अम्मी जान, आजकल के बच्चे अपनी डिसीजन लेने के लिए खुद सलाहियत रखते हैं, वो आदी हो चुके हैं। और आप तो जानती हैं कि जबरदस्ती का अंजाम अच्छा नहीं होता। और अगर रेहान इस फैसले का पाबंद ना हो सका तो आप क्या कर लेंगे अम्मी जान? और आखिर आप कर भी क्या सकती हैं? उसको पाबंद होना पड़ेगा अम्मी जान। फर्ज कीजिए कि वो ना हो सका तो एक बार फिर वही किस्सा दोहराया जाएगा। ताहिर की मिसाल तो आपके सामने है। मैं तो जब भी रेहान को देखती हूँ मुझे ताहिर भाई की याद आ जाती है। वही अंदाज, वही जिद। देखिए अम्मी हुजूर, ताहिर ने अपने लिए जिस लड़की का इंतखाब किया था उसे कबूल करने में हमारा खानदान हिचकिचा रहा था, लेकिन सायका का मामला और है। सायका हमारी औलाद है, हमारा खून है। उसे एक्सेप्ट करने में तो हमारे खानदान को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और ना ही इस तरह हमारे खानदान की इज्जत नामूस, वकार और आनबान को कोई ठेस पहुंचेगी। ये मत भूलिए अजहर भाई, आप दोनों की बीवियां इस फैसले पर कतई रजामंद नहीं होंगी। इस बेचारी बच्ची के साथ इतने जुल्म हुए हैं कि अगर हम चाहें भी तो इसका अजाला नहीं कर सकते। लेकिन अगर सायका की खुशी इसी में है तो मैं सादिया भाभी और फौजिया की नाराजगी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। मेरा भी यही ख्याल है। खैर, हम फैसला कर चुके हैं। अम्मी जान, वो वक्त गए जब तकदीरों के फैसले बिना सोचे समझे भी कामयाब हुआ करते थे।
आप तो देख रही हैं कि रेहान सायका के बगैर जो भी कुछ है अंजू, हमारा फैसला अटल। सुन लिया आप लोगों ने? सायका जैसी भी है, जिस माँ की भी बेटी है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे हरगिज़ गवारा नहीं है। फैसला मुझे करना है, आपको या दादी जान को नहीं। रेहान बेटा, समझने की कोशिश करो, हमारी बात हो चुकी है, सारे जमाने को पता है। अब जब लोग सुनेंगे तो कितनी बदनामी होगी और उसका बराहे रास्त असर सुमेरा पर हो सकता है। मुझे आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं है। यही तो तुम्हारी नासमझी है अम्मी। सुमेरा एक अक्लमंद लड़की है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो ऐसे लड़के के लिए वबाले जान बने जो उसको जिंदगी की खुशियां ना दे सके। मैं उसको खुश नहीं रख सकता। मैं सायका से मोहब्बत करता हूं और उसके अलावा किसी और लड़की से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रेहान, जिद का अंजाम जानते हो तुम? अगर मैं चाहूं ना तो खुद से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, लेकिन मैं खुद सरी पे उतरना नहीं चाहता। अच्छा ही होगा अगर खानदान के सब लोग मेरी मर्जी में शामिल हों। खास अच्छा होगा, सारे घर को तुमने तिगनी का नाच नचाया हुआ है, किसी के सुनते नहीं हो। भाई हमें ये तो बताओ कि सुमेरा में बुराई क्या है? आप मुझसे बार बार एक ही बात क्यों कहलवा रही हैं? मैं सुमेरा से शादी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सायका से शादी करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है और इस फैसले में कोई लचक नहीं है। अगर दादी जान को ये फैसला मंजूर नहीं है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप उनसे कहें कि अपनी ख्वाहिश मुझ पे जबरदस्ती मुसलत मत करें, प्लीज। रेहान, एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो। अगर तुम अपनी मनमानी पर तुले रहे तो अपने आप को इस खानदान से अलहदा तसव्वुर करना, समझना मर गए हम तुम्हारे लिए। बेटी, तुमने तो कमरे से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है, ऐसे कैसे काम चलेगा? आखिर कब तक खुद को कैद रखोगी कमरे में? अम्मा, मैं बाहर होने वाले हंगामे से बेखबर नहीं हूं, तुमको भी पता है मेरे लिए मेरा कमरा ही मेरी पनाहगाह है। बाहर जाऊंगी तो उन सबका सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा। बड़ी बेगम साहिबा अपनी जुबान की पाबंद है और रेहान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जाने क्या होगा। होगा वही जो मैं चाहूंगी। आग लगाकर अब तमाशा देख रही हो? सारे घर को जंजाल में फंसा रखा है। अरे माँ, क्या कम वक्त थी तुम्हारी कि बेटी उससे भी आगे बढ़ गई है? अपने आप को भूल क्यों गई हो? दिमाग अर्श पर जा पहुंचा है। जो कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ था, आज वही कुछ तुम्हारी वजह से होने जा रहा है। आग लगाकर खुद साइड पर होके बैठ गई है। बेगम साहब जी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस गरीब की मां पर इल्जाम लगाएं। तुम चुप करो, तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम्हें मैं मुंह लगाऊं। जी जानती हूं मेरी ये हैसियत नहीं। जो साहिब हैसियत हैं उन्होंने तो बड़ी शराफत का सबूत दिया है ना। आया, कितना अरसा तुमने हमारा नमक खाया है, उसका
का ये सिला दे रही हो तुम? खामोश रहो, ये ना हो कि कहीं इसके साथ साथ तुम्हारा भी बंदोबस्त करना पड़ जाए। मैं रेहान के बगैर तो जीलूंगी, मगर इतने सारे लोगों के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, और वो भी एक मामूली लड़की सायका की खातिर। ये सब उसने जानबूझकर किया, और इस प्लानिंग में सायका भी शामिल थी, वरना उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो हम सबके बीच में आ खड़ी हो। तुम हिम्मत करो मेरी जान, मैं जानती हूं कि तुम पर क्या गुजर रही है, मगर ये याद रखना कि तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे दिल से खेलना इतना आसान नहीं है जितना रेहान का सहारा लेकर सायका ने सोचा है, और ना ही ये बात रेहान के लिए इतनी आसान है कि उसने इतनी आसानी से मेरी बच्ची को सबके सामने तमाशा बना दिया। बस मुझे एक मौका दे दे, मैं एक बार अम्मी हुजूर से बात कर लूं। मुझे रेहान के साथ किसी किस्म का रिश्ता नहीं जोड़ना। अगर उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। उसने मेरी एक छोटी सी गलती को बहाना बनाकर ये सब कुछ किया है ना मेरे साथ, तो मुझे भी इसके साथ ही रहना। बेवकूफ मत बनो सुमेरा, दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। बस एक बार तुम्हारी रेहान से शादी हो जाने दो, फिर देखना सब कुछ बदल जाएगा। उसकी बीवी होने की हैसियत से रेहान के करीब आकर तुम जो कुछ कर गुजरोगी वो तुम्हारा हक होगा। हक तो तुम्हारा अभी भी है बेटा, बस उसे इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। मैं आपको आपको यकीन है ना कि मेरे हक में जो भी होगा वो बेहतर होगा? हाँ यकीन है मुझे बेटा, मुझे यकीन है। बस खाला जान, बहुत हो चुका। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मामूली लड़की की माँ की वजह से पहले मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, और अब क्या मेरी बेटी की बारी है? ना तो मैं अपनी बेटी को बेइज्जत होता देख सकती हूँ, और ना ही किसी को इस बात की इजाजत दूंगी। दुख तो मुझे अपनी बहन का है। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो माना कि ये अपने ससुराल और देवर के हाथों मजबूर थी, मगर अब तो इसके अपने बेटे ने हमारे पैरों तले जमीन खींच ली है, और इससे ये ना हो सका ये उसका हाथ ही रोक लेती जिससे उसने ताहिर की छोड़ी हुई नाजायज औलाद के गले में माला डाली थी। उसने मेरे दिल को भी तकलीफ पहुंचाई है फौजिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी तकलीफ का। फौजिया, अगर बेटी के दुख से दिल जख्मी हो सकता है तो बहन के दुख से भी दिल जख्मी हो सकता है, और इस वक्त मेरा दिल उतना ही जख्मी है जितना तुम्हारा। फौजिया, रेहान को अपनी गलती का अजाला करना होगा। अगर वो मेरा बेटा है तो उसे अजाला करना होगा। रेहान को ही नहीं, आप सबको इसका अजाला करना होगा, आप सबको। क्या चाहती हो फौजिया? यकीन करो, रेहान ने जो किया है हम उसे हरगिज नहीं होने देंगे। रेहान क्या करता है और क्या नहीं करता इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरी खातिर उस मनहूस लड़की को यहां से निकालना होगा जिसने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में जहर खोल दिया है। आपको उसे यहां से निकालना होगा। उसे कहाँ भेजेंगे हम? कहाँ जाएगी वो फौजिया?
भेज दे कहीं पर भी, इस हवेली से बाहर। आया है ना उसके साथ, और खर्चा तो आप वैसे भी भेजती रहेंगी, पुरानी हवेली भेज दे। हमें कुछ वक्त दो फौजिया, जो कुछ भी हो है तो वो आखिर ताहिर की छोड़ी हुई निशानी। इस खानदान की इज्जत और भरम की खातिर ही सही, उसके सर पर हमें हाथ रखना ही होगा। तो आप रखिए उसके सर पर हाथ, मगर इस हवेली से निकल कर। आपने बुलाया दादी जान? तुमसे जरूरी बात करनी है हमें। दादी जान, मैं आपके बुलाने पे हाजिर हुआ हूं, और इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं। अगर आप लोग सायका के बारे में बात करना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपको बताता चलूं कि यह मेरा आखिरी फैसला है कि सायका ही मेरी जिंदगी है, और मैं सायका से ही शादी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आग के दरिया से क्यों ना गुजरना पड़े। और मैं ये भी बात जानता हूं कि ये हवेली और इस हवेली के लोग आग के दरिया से कम नहीं है, लेकिन मैं इस दरिया से गुजरने के लिए तैयार हूं। अब आप बताइए, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? हमें जो कहना था उसका जवाब तुम दे चुके हो, अब हमारा जवाब भी सुन लो। याद रखो रेहान, जिस आग के दरिया की तुम बात कर रहे हो, उस आग के दरिया में तुम जल तो सकते हो, मगर उसके दूसरे किनारे तक पहुंच नहीं सकते। तुम जा सकते हो, और तुम्हारा और सायका का फैसला अब हम खुद करेंगे। मैंने फैसला कर लिया सायका, अगर अब घरवाले नहीं मानेंगे ना, तो हम दोनों यहां से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका हूं। हर कोई अपना फैसला तब्दील कर लेता है, और दादी माँ और अम्मी तो मुझे सांस तक नहीं लेने दे रही। वैसे भी मुझे ये सब बुरा समझते हैं, आपको तो कोई बुरा नहीं कहेगा। अगर हमने ये कदम उठाया तो सब यही कहेंगे कि मैंने आपको ये करने पे आमादा किया, सब मुझे ही जिम्मेदार ठहराएंगे। ऐसे भी इतने इल्जामों के बोझ तले पता नहीं कैसे जिंदा हूं, शायद ये आखिरी इल्जाम मैं सह ना पाऊं। इतनी अच्छी मत बनो सायका, इन घर वालों ने तुम्हें दिया ही क्या है, जिल्लत है, बदतमीजी, नफरत है। प्लीज सायका, कम सिर्फ अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। क्या तुम मेरा कहा नहीं मानोगी? मैं अपने दिल का कहा मान रही हूं, और मेरा दिल झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा आपको वक्फ कर दिया है, हर वक्त आपके बारे में सोचती हूँ, सोते जागते उठते बैठते। ये कैसी कैफियत है रेहान, जिसमें इतना सुकून है लेकिन इतनी तकलीफ भी।
मैं बेबस हूं, अब कुछ हो ही नहीं सकता। रेहान, रेहान अब सायका का हो चुका है। शायद वो मेरा कभी था ही नहीं। मुझे रेहान के साथ किसी किस्म का रिश्ता नहीं जोड़ना। अगर उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। क्या बात है बेटा? सुमेरा बेटा क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? सुमेरा, सुमेरा क्या किया तुमने? सुमेरा मेरी बेटा क्या हुआ है तुम्हें? सुमेरा आंखें खोलो। सुमेरा, सुमेरा मेरी जान, तुमने क्या खा लिया? कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो पना मिल ही जाएगी। हमारे लिए अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। और रेहान? रेहान भी मुझे भूल जाएगा। हर कोई वक्त के साथ एक दूसरे को भूल ही तो जाता है। और तुम भी आराम से उसे भूल जाओगी। माँ, इस वक्त ये बातें करनी जरूरी हैं? मैं बहुत सख्त जान हूं। अगर मेरी रेहान से शादी हो भी गई और एक दिन उसने मुझे घूम के इस बात का कसूरवार ठहराया कि मेरी वजह से उसको अपने पूरे खानदान को छोड़ना पड़ा, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अम्मा। तो तुमने सुमेरा को बाजी दे दी? बाजी तो मेरी कभी थी ही नहीं अम्मा, और सुमेरा ने उसके लिए जान भी तो देने की कोशिश की थी ना। तो तुम उसके प्यार में अपनी दुनिया छोड़कर चली जाओगी? काश मैं ये दुनिया ही छोड़ सकती, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस वक्त, इस जगह, इस हवेली में रहना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अम्मा मैं मर जाऊंगी, हमें यहां से जाना होगा। दादी हुजूर, मैं बाद में बात करूंगा। बोलो। इससे पहले कि आप मुझे जाने को कहें, मैं खुद ही आपकी नजरों से दूर हो जाऊंगी। इतना अरसा मैं
मैं ऐसी उम्मीद में जिंदा थी कि शायद आप मुझे उतना ही प्यार करें जितना सुमेरा और गुलरुख को। लेकिन मैं ही बेवकूफ थी, अपने ख्वाबों की दुनिया सजा बैठी। अब मेरा यहाँ पे रहना मुमकिन नहीं होगा। जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इतना जरूर कसूर है कि नाची की बेटी हूँ। लड़ना और जवाब देना मुझे आता ही नहीं, और शायद इसी बात का आप लोगों ने हमेशा फायदा उठाया है। मोहब्बत की तरसी हुई रूह को कतरा ही काफी है, वो मैंने रेहान में पाया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दादी हुजूर। एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने सीने से लगा ले, ताकि मैं यहां से इस एहसास को लेके जाऊं कि शायद मैं भी आपकी कुछ लगती हूं। खुदा का शुक्र है सुमेरा कि तुम ठीक हो। बेटा तुमने क्या हरकत की, हमारा तो ख्याल था कि तुम बहुत समझदारी से काम लोगी। तुमने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अगर बाहर किसी को पता चल गया कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया तो लोग क्या कहेंगे। शुक्र है कि वो मनहूस यहां से निकल गई। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हुई। इतना अरसा मैं इसी उम्मीद में जिंदा थी कि शायद आप मुझे उतना ही प्यार करें जितना सुमेरा और गुलरुख को। जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दादी हुजूर। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो ना सही, मैं और नाजी कहीं नहीं जाएंगे। मैं नाजी को समझा दूंगा। प्लीज आप परेशान ना होइए। हुजूर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरी तो सबसे बड़ी गलती पैदा होना था, वरना एक यतीम लावारिस की क्या जरूरत कि वो उन लोगों के साथ जबान दराजी करे जिन्होंने उसके सर पे छत दी है। एक बार, सिर्फ एक बात मुझे अपने सीने से लगा ले, ताकि मैं यहां से इस एहसास को लेके जाऊं कि शायद मैं भी आपकी कुछ लगती हूं। मां का ये रूप मैंने आज पहली दफा देखा। आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। शर्म आती है आपको अपनी मां कहते हुए। जा रहा हूं मैं यहां से, जा रहा हूं। मेरी नाची मुझे बुला रही, मैं उसके पास जा रहा हूं, कभी वापस नहीं आऊंगा।
सायका का। मैं आपसे पूछ रहा हूं सायका कहां है? करो तमीज तो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। आप शायद भूल रही हैं दादी जान, वो आपकी पोती है। पोती? तुम उस डायन को पोती कह रहे हो जो अपने पैदा होते ही सबको निकल गई? बस कर दीजिए अम्मी, बस कर दीजिए। आप लोगों की तो हम परस्ती ने उसकी जिंदगी को जहन्नम बना के रखा था, और आप सबकी खुद साख्ता बातें। खुद साख्ता? जी हाँ, खुद साख्ता बातें। जरा ठंडे दिल से सोचिए खाला, उस बेचारे की जिंदगी को नहुसत से वाबस्ता करने में आप सब लोग कहां तक बजाने हैं, सोचिए जरा। रेहान, हमें इस तकरार में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस हकीकत से कोई एतराज नहीं कर सकता कि जब से ये लड़की पैदा हुई है इस खानदान पे आफतें टूट पड़ी हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं दादी जान? कि उसके पैदा होने से पहले इस खानदान पे कोई आफत नहीं आई? आपके भाई जो हादसे में मर गए थे वो कब हुआ था? वो सायका के पैदा होने से पहले हुआ था, और आपकी उस कीमती जमीन के कीमती कागजात जो जल गए थे वो नुकसान कब हुआ था आपका? वो भी उसके पैदा होने से पहले हुआ था, तो फिर हर बात का इल्जाम सायका पे क्यों आता है? और कितने ही किस्से ऐसे हैं दादी जान जो मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज गिनवा सकता हूं। क्या किस खानदान में उसके पैदा होने के बाद कोई खुशियां नहीं आई? क्या कोई बच्चे पैदा नहीं हुए? और हां, जब फरीद मामू की वफात हुई थी तब सुमेरा 6 माह की थी, तो सुमेरा पे कोई बात क्यों नहीं करता? जो कुछ भी हो, तुम उसकी नहुसत से इनकार कर सकते हो, मगर ये मत भूलो कि उसकी मां कौन थी। उसकी मां जो भी थी खाला, उसमें कोई तो खूबी होगी जिसकी वजह से चचा ने आप सबको ठुकराया। रेहान, तुम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। अगर मेरे हद से बढ़ने से उसकी मासूमियत साबित होती है तो मुझे हद से बढ़ने दीजिए। मैं सायका को कहां ढूंढूं? दादी जान प्लीज इतने संगल मत बनिए। वो आपका खून है दादी जान। कुछ तो सोचिए प्लीज, प्लीज दादी जान। चचा पे आपकी पाबंदी शायद ठीक होगी, खानदानी इज्जत मजरू होने का मसला होगा, लेकिन दादी जान सायका के साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? दादी जान, वो आपकी अपनी पोती है, आपके बेटे की वाहिद निशानी। Thank you.
आपकी वजह से, आपकी जरा नवाजी से तो बहुत से यतीम खाने चल रहे हैं, बहुत से यतीम बच्चे आसाइश की जिंदगी गुजार रहे हैं, और सायका, सायका भी तो यतीम है दादी जान, क्या वो आपका खून नहीं? उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है, कभी सोचा आपने? वो आपकी शफकत के एक लम्स के लिए तरस रही है। आपने कभी कभी अपनी जिंदगी में उसको प्यार भरी नजर से देखा? रेहान, तुम भूल रहे हो कि किससे बात कर रहे हो। मुझे कोई परवाह नहीं है मैं किससे बात कर रहा हूं, आज बोलने दीजिए मुझे, दिल की भड़ास निकालने दीजिए, शायद आप लोगों को यह एहसास हो। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है आप लोगों को देख के। क्या सलूक किया सारी जिंदगी, बताइए क्या किया आपने, या आपने, या आपने? एक जीती जागती जिंदगी को मौत के हम किनार कर दिया, सबके दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत का लावा है। क्यों? आप लोग शायद भूल गए कि वो भी एक इंसान है। क्या उसके सीने में दिल नहीं? क्या वो मां के प्यार को नहीं तरसते जिस तरह आप सबके बच्चे मां की मोहब्बत को तरसते हैं? क्या वो इंसान नहीं? और दादी जान, तारिक चचा की वफात के बाद जो खला पैदा हुआ, आपने उसको पूरा करने के लिए कुछ किया? क्या उनकी रूह खुश होगी कि उनकी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है? ये सब घर वाले उसके साथ क्या कर रहे हैं? क्या उनकी रूह भटक नहीं रही होगी? आपने अपनी अंदर की औरत का गला क्यों घोट दिया? झूठी अना और जाहिरदारी के लिए अपनी अंदर की ममता को क्यों सुला दिया दादी जान? क्यों? आप सब लोग खुदगर्ज हैं, अपनी खुशियां ज्यादा अजीज हुई सबको। एक बात याद रखिएगा दादी जान, 20 साल पहले आपने अपना बेटा खोया था, आज आज आप मुझे खो देंगी। मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं दादी जान, और कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगा। रेहान, रेहान तुम घर छोड़ के नहीं जा सकते हो बेटा, प्लीज नहीं, घर छोड़ के नहीं जा। छोड़ दीजिए मुझे, मत कहिए मुझे बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मत कहना मुझे बेटा तुम्हारा। और हाँ दादी जान, अगर मुझे सायका मिल गई तो मैं उसको लेके आप सब लोगों से बहुत दूर चला जाऊंगा, और अगर वो मुझे ना मिली तो आप सब लोग भूल जाएगा कि इस घर में कोई रेहान भी था। रेहान, 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 रेहान साहब को ढूंढ लो बेटा, उसे अपने बुरे सलूक की माफी मांग ली। आप सच कह रही हैं? थैंक यू दादी जी। छोटे साहब जी, सायका भी स्टेशन तरफ गई। स्टेशन? अच्छा। मैं जाकर चाय लेकर आती हूँ।
बुजदिल लड़की, सारी जिंदगी भागती रहना। कहा था ना मेरा एतबार करना, कुछ समझ में नहीं आता। जो तुम्हारे दिमाग में आता ना, बस वही करती हो तुम। आपने नहीं समझाया इसको, करता एक लगाऊं। कितना परेशान किया तुमने मुझे। क्यों चली आई यहां, हाँ क्यों चली आई? क्योंकि यही आपके हक में बेहतर है। इसका फैसला मुझे करना है कि मेरे हक में क्या बेहतर और क्या बुरा। उठाओ सामान, अब चलो मेरे साथ घर चलो। मैं अब घर नहीं जाऊंगी, वो मेरा घर नहीं है। मेरे घर तो जाओगी, और दादी हजूर का हुक्म है कि मैं तुम्हें लेकर आऊं साथ। चलो, अब क्या कहना बाकी रह गया, सब कुछ तो कह दिया उन्होंने। मैंने तो सब कुछ आसान कर दिया। तुम चलो तो। तुम मुझे छोड़कर जा रही थी, हाँ अकेला छोड़कर जा रही थी, तो क्या समझ रही थी मैं तुम्हें इस तरह जाने दूंगा? तुम्हें जिद करनी है ना, तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा अभी और इसी वक्त। लेकिन इतना बता दो, दादी अम्मा अपने किए पे पछता रही है, वो अपनी पोती को याद कर रही है। चले घर चलते हैं। भाभीजान, मैं सायका को ले आया। ताहे की खुशबू हमें माफ कर दो, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब तुम हमारे करीब रहो, बस हमारे पास। हम कैसे बोल सकते थे कि तुम भी हमारा खून। इतने सालों का अजाला किस तरह पूरा करें? मेरे मौला, मेरे ताहिर की रूह को सुकून दे। मेरे मौला, मेरे ताहिर की रूह को सुकून दे। Oh.
तुम हमारे साथ। अम्मी आज तो कमाल हो गया, देख रही हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सब कुछ देखकर। ये सब कमाल तो रेहान का है। कमाल है भाई, क्या मोहब्बत है। दादी जान, इसको कब तक चिपका के रखेंगे आप? थक गई होगी बेटा, जाओ आराम कर लो। नहीं दादी हुजूर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो आप मुझे अपने से दूर नहीं करेंगी ना? नहीं मेरी जान, हमारे दिल में तो कब से मलामत शुरू हो गई थी जब तुमने अपने जाने के बारे में हमें बताया था। फिर इस पागल ने हमें समझाया कि जो हम करने जा रहे हैं वो सरासर गलत है। शुक्रिया। दारीजान, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, सबसे ज्यादा अजीज है, आप वो चीज मुझे दे दीजिए तो आप मेरी बात मान जाएंगी? तुमने तो बिल्कुल भी टाइम नहीं जाया किया। हमें तुम दोनों की खुशियां बहुत अजीज हैं। हम कोशिश करेंगे कि फौजिया से बात करें। सुमेरा के साथ जो हुआ वो सरासर गलत था, नाइंसाफी थी, मगर हमने फैसला किया है कि हम तुम दोनों की जिंदगी आप खराब नहीं होने देंगे। हम जल्दी फौजिया से बात कर लेंगे। थैंक यू दादी जान, थैंक यू सो मच। वाओ नानी, यू आर ग्रेट। मैं कहता था ना। अरे तुम क्या कह रहे थे, मुझे पहले से पता था। हाँ सर साहब, रेहान साहब और अंजू बीवी आप तीनों को सादिया बीवी बुला रही है। अम्मी बुला रही है। पप्पो चले ना आप मेरे साथ, पता नहीं अब क्या कहेंगे वो। मैं आता दादी। बेटा आप जाके सो जाओ ना। नहीं दादी जरूर, आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपके पास ही सो जाऊं। ठीक यही सो जाओ, लेकिन कपड़े तो बदलो जाके। चलिए मैं 2 मिनट में कपड़े बदल के। अम्मा 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 कहा हो, मैंने बहुत सी बातें बताई। आ गई रंगरलिया मनाकर। बड़ी खुश हूँ आज, मैदान मार लिया है, सारे घर वालों का दिल जीत लिया है। जब रेहान और सुमेरा की निस्बत तय हो चुकी थी तो फिर तुमने वापस आने की हिम्मत भी कैसे की? मेरी बेटी की ये निस्बत उसकी खुशियों की जामिन थी, लेकिन तुम्हारे वजूद ने बीच में हायल होकर सारी की सारी बिसात ही पलट दी। और आज के वाक्य ने तो मेरी बेटी की तकदीर पर अति नाकामी की मोहर लगा दी। आज से 20 साल पहले भी यही हुआ था, तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली थी, और आज आज तुमने भी यही किया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जान, तुम बहारे लूटो और मेरी बेटी कांटों से लहूलहान हो, ये मैं जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी का दामन मुसरतों से भर के रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े। तुम्हें उसके रास्ते से हटना होगा, वरना याद रखना कि महरूमी की असियत से आज का मां अब
अपनी लगते जिगर को खुशियां लौटाने के लिए भयानक से भयानक कदम भी उठा सकती है। तुम्हें रेहान और सुमैरा की जिंदगी से जाना होगा। जवाब दो मुझे, जवाब दो। चची जान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ना मैं उसको छोड़ूंगी और ना ही वो मुझे छोड़ेगा। तुम ठीक है, तुम अगर मुकाबले के लिए तैयार हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर अपनी जान अजीज है तो सुमैरा और रेहान की जिंदगी से दफा हो जा। मेरी बेटी अगर दुख झेलेगी तो तुझे भी जिंदगी की बहारें मैं लूटने नहीं दूंगी, जीना नहीं दूंगी तुझे मैं। जवाब दे वरना मैं तुझे मार दूंगी। जवाब दे। पिस्तौल उठा आया, हट जा। मेरे रास्ते में मत आओ वरना मेरे इंतकाम की आग में तुम भी जल के भस्म हो जाओगी। इधर आओ, हट जाओ फौजिया। तुम होती कौन हो मेरे रास्ते में हायल होने वाली? बताऊं मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे सीने में 20 साल से गिरी हुई मेघ हूं। मैं तुम्हारी शिकस्त की आवाज हूं। बकवास बंद करो और ये पिस्तौल मुझे दो। हट जाओ फौजिया। कहीं मेरी दबी हुई नाकाम आर्जुएं यही पिस्तौल तुम पर आजमाने को मजबूर ना कर दे। तू बहुत बड़ी आया, अपनी जबान बंद रख। नहीं, अब ये जुबान बंद नहीं होगी। जुबान बंद होने का वक्त खत्म हो चुका है। क्या बक रही हो तुम? आया आया नहीं, नाजी कहो नाजी। देखो और से देखो, पहचानो मुझे, मैं कौन? तुम कहां पहचानोगी? तुमने तो एक अरसा पहले ही मुझे मार डाला था। मैं साय की तरह तुमसे चिमटी रही, अपनी पहचान के लिए हजारों दाग दिखा सकती हूँ, हजारों जुल्म की दास्तानें सुना सकती हूँ जो तुमने मुझ पर ढाए। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी और आज मेरी बच्ची की खुशियां लूटने आ रही है। मैं तुम्हारी इस कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिंदा हूं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम नाजी हो? नहीं, तुम नाजी नहीं हो सकती। उसका चेहरा तो मैं अच्छी तरह पहचानती हूं। मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें सबूत देने के लिए कि तुमने मुझे? एक बात याद रखना कि हमारा नाम भी फौजिया है। मैं तेरी खुशियों का खून चूस कर रहूंगी, हड़प कर जाऊंगी उन्हें। ताहिर सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहेगा। मैं तुझे उसकी राह से हटा कर रहूंगी, ताहिर को अपना बना कर रहूंगी मैं। सिर्फ चंद दिन तो देखना कि ताहिर सिर्फ मेरा होगा। ताहिर सिर्फ मेरा है, तुम मेरे और ताहिर के रास्ते की दीवार हो। और अगर ये दीवार मैं गिरा ना सकी तो तुम्हें और तुम्हारी उस मनहूस बच्ची को मैं जान से मार दूंगी। अगर वाकई ये बात सच है तो आज मैं सायका के साथ साथ तुझे भी खत्म कर दूंगी। मैं अपने इंतकाम की आग तुम दोनों के खून से बुझाऊंगी। क्यों खानदान को तबाह करने में तुली गई आप? छोड़ दे आप साई को और इनको। आप क्या समझ रही थी? साइका को कत्ल करके अपनी बेटी की शादी मुझसे कर पाएंगी? नहीं, ये आपकी भूल है। मुझे नफरत है आपसे और आपकी बेटी से भी। ठीक तो ना?
अगर तुम नाजी हो तो तुम इतनी देर रूपोश कहाँ रहे? तुम्हारी शक्ल कैसे बदल गई? और तुमने अपने आप को जाहिर क्यों नहीं किया? अपनी जिंदगी से इतनी परेशान थी कि मौत के सिवा और कोई चारा नजर नहीं आता था। सैया मुझे यहां से बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस रात फौजिया ने धमकी दी। अगर मैंने सैया को यहां से कहीं ले जाने की कोशिश भी की तो मुझे उनकी लाश मिलेगी। कम उम्र और ना तजुर्बेकार तो थी, अपनी जिंदगी से बेजार भी थी। यह सुनकर तो बिल्कुल पागल सी हो गई। रात सैया को कमरे में सोता हुआ छोड़कर मैं बाहर निकल गई। मौत नहीं आई, लहरें मुझे बहाकर दूर ले गई। कुछ लोगों ने मेरी जान बचाई, जब होश में आई तो अस्पताल में थी। जहां मैं 2 साल रही खाई से गिरने की वजह से मेरा पूरा चेहरा मस्क हो चुका था। डॉक्टर जुनैद के हमदर्द रवैये से मेरी टूटी हुई हिम्मत बंधी और मैंने जिंदगी से मसलियत कर ली। मेरा हुलिया सर से पैर तक बदल चुका था। मैं डॉक्टर साहब को कहकर इस शहर में चली आई। अपनी ममता की तड़प जो मैंने यहां आकर महसूस की वो मैं बयान नहीं कर सकती। तड़प ने शायद मुझे मेरी बच्ची से मिला दिया। सायका की आया बनकर मैं अपने सारे दुख भूल गई। यहां मुझे किसी ने नहीं पहचाना और ना ही मैंने ये बताने की जरूरत महसूस की, क्योंकि आप मुझे गुस्से से बाहर निकाल देती
मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से पाल नहीं सकती। सैया की मौत का सदमा मैंने सिर्फ इसकी वजह से बर्दाश्त किया। सैया की मौत का सदमा झेलकर भी मैं मुतमईन थी, यहाँ सैया नहीं थे लेकिन उनकी यादें हर चीज से वाबस्ता थी। सबसे बड़ी निशानी जायका मेरे पास थी। अब जिंदगी तल्ख नहीं लेकिन नागवार जरूर थी। नाजी चची आप कितनी अजीम हैं, आपने कितने दुख झेले हैं। मेरे बच्चे, मुझे इन दुखों का जरा भी एहसास नहीं। आज मैं इतनी खुश हूं कोई समझ नहीं सकता। तुम कल भी खुशियों की हकदार थी नाजी, और आज भी हो। सुमेरा अपनी माँ को ले जाओ। इसने अपनी ये गिरी हुई हरकत से हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी है। मैं तो यकीन नहीं कर सकती कि फौजिया इस हद से गुजर सकती। हर माँ को अपनी औलाद अजीज होती लेकिन औलाद की मोहब्बत में खून खराबा। सायका, बचपन से जो जो उनके जहन में डाला गया उनका रवैया इन्हीं सब बातों का नतीजा है। तुम्हारी दादी और चचियों ने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें बदनाम करने में। तुम्हारी माँ के साथ भी उनका यही सुलूक था। तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी माँ भागी नहीं थी? ये मेरा यकीन है। यूं ही? हाँ, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, और ये यकीन हो गया कि मेरी माँ यहाँ से नहीं भागी। ये मेरा ईमान है।
माँ, मैं तुम्हें माँ कह सकती हूँ ना? माँ ही तो हूँ तुम्हारी। अब मेरे और मेरी माँ के बीच में कोई रुकावट तो नहीं आएगी ना? नहीं बेटी, अब कोई रुकावट रही नहीं। माँ? बोलो बेटी। तुमने कभी मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी असल माँ हो? सिर्फ मुझे पता होता और सिर्फ तुम्हें। बेटी, इतना आसान कहाँ था? कहाँ था इतना आसान? एक बात पूछू माँ? पूछू मेरी जान। मेरे अब्बू कैसे थे? असल में कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी किसी से पूछने की कि आखिर मेरे अब्बू थे कैसे। नाजी, मैं उस शेरी बाबू की तरह नहीं। तुम्हें मेरी बात पे यकीन है? अरे सुनो तो, अरे रुको। एक ऐसा इंसान था जो इस जमीन पर रहने के लिए नहीं बनाया गया था, इसीलिए उसने इस जमीन को छोड़ दिया। वो मुझे प्यार करते थे ना? बहुत प्यार करते थे तुमसे, मुझसे भी ज्यादा शायद तुमसे प्यार करते थे। अगर मुझसे इतना ही प्यार था तो मुझे छोड़ के क्यों चले गए माँ? ये शिकवा तो मुझे भी उससे है अभी तक। सोचती हूँ शायद मुझे ढूंढने निकला था, पता नहीं क्या सोच रहा था उस वक्त, पता नहीं दिलो दिमाग की क्या हालत थी उस वक्त कि गाड़ी को टकरा बैठा। नाजी बीबी, बेगम साहब बुला रही हैं। अच्छा, आ रही। इंतजार कर रहे थे। बेगम साहब, इतनी रात गए आपने मुझे बुलाया, खैरियत? जिंदगी के कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो रात के अंधेरे ही में तय किए जा सकते हैं। नाजी, तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां हुई हमारे हाथों, इस हवेली के दूसरे अफराद के हाथों, हम सब कुछ तस्लीम कर चुके हैं। अब इन सबको दोहराने की जरूरत नहीं है बेगम साहबा। नहीं, जरूरत है। आज जब हम तुम्हें इस नजर से देखते हैं तो हमें अपनी ज्यादतियों का एहसास होता है। हमें वो खूबसूरत चेहरा अब तक याद है
जिसे हमारे ताहिर ने अपने लिए पसंद किया था। वो खूबसूरत चेहरा वक्त की आग में झुलस चुका है बेगम साहिबा। मैं उस चेहरे को भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाएं। हम अब भी यही सोचते हैं कि अगर वाकई वो सब कुछ ना हुआ होता तो तुम भी फौजिया और सादिया की तरह उन्हीं की तरह नजर आ रही होती आज। अगर ये तमाम नुकसान हमारे हाथों हुआ है और सिवाय अफसोस के हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, अब इन सब बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को उसका असली मुकाम मिल गया है, यही बहुत है मेरे लिए। देखो ना जी, तब जो कुछ हुआ जबरदस्ती से हुआ था, मगर आज हम तुम्हारे सामने एक शिकस्त खुर्दा सिपाही की तरह खड़े हैं, जिसका इस हवेली में बड़ा रोब दबदबा था, जिसके हुक्म के बगैर कोई फैसला नहीं कर पाता था। जी मैं जानती हूँ बेगम साहिबा, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है ये बात। मगर आज हमारी हैसियत किस नाजुक दुराहे पे खड़ी है, शायद तुम्हें इसका अंदाजा ना हो। आज तो हमारी शिकस्त बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, मगर हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बच्चे हमारे सामने किस बगावत से सर उठाकर खड़े होंगे और हमारा हर फैसला उनके लिए किस कदर बेमाने होकर रह जाएगा। आप क्या कहना चाह रही हैं बेगम साहिबा? तुम हवेली से चली जाओ ना जी, परेशान मत हो, हम पहले की तरह तुम्हें निकलने को नहीं कह रहे, तुम्हारी हर जिम्मेदारी हम ले लेंगे, तुम हमारे साथ बरस रहोगी, मगर इस हवेली में नहीं। बज़ाहिर इस हवेली वालों को यही नजर आएगा कि तुम यहां से निकाल दी गई हो, मगर ऐसा नहीं होगा। और मेरी बच्ची? वो तो हमारा खून है, हमारे ताहिर की अमानत, हमारे जिगर का टुकड़ा, वो यहीं रहेगी। किस हैसियत से? हमारी बहू की हैसियत से, हमारे रिहान की दुल्हन की हैसियत से। तुम परेशान मत हो ना जी, हम पर भरोसा करो, हम तुम्हें पुरानी हवेली में भेज देते हैं, तुम्हारी खबर लेते रहेंगे हम, लेकिन दूसरों को तुम्हारी खबर नहीं होगी। सायका को भी नहीं? नहीं। हमें अभी तुम्हारा जवाब चाहिए ना जी। हम इंतजार कर रहे हैं। मेरी एक शर्त है। कहो क्या शर्त है? मैं जाने से पहले सायका को दुल्हन बना देखना चाहती हूँ। हाँ हमें मंजूर है, ठीक है, हम जल्द से जल्द रेहान और सायका की शादी करवा देंगे। अगर आप ये वादा निभाएंगे तो मैं वादा करती हूँ कि सायका की शादी की रात ही मैं इस हवेली से निकल जाऊंगी, मगर उसे रिहान के हवाले करने के बाद। हमें मंजूर है, लेकिन नाजी ये बात जो तुम्हारे और मेरे दरमियान हुई है, इसकी खबर किसी को नहीं होगी। किसी को नहीं पता चलेगा? मैं इस गुमनाम जिंदगी की
पिछले कई बरसों से आती हूँ। अब मैं चलूं? कहाँ गई थी माँ? बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया था। इस वक्त खैरियत? तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाह रही थी। लेकिन वो कोई इतनी जरूरी बात तो नहीं कि रात क्यों इतनी लेट आपको बुलाएं? वो जब चाहें जैसा चाहें कर गुजरती हैं, उन्हें किसी के जज्बात की क्या परवाह। ऐसे ना कहो अम्मा, अब तो वो बहुत तब्दील हो गई हैं। आपने देखा नहीं, उनका रवैया भी इतना बेहतर हो गया है। और एक बात बताएं, आप अभी भी उनको बेगम साहब क्यों कहती हैं? फिर क्या कहूं? अम्मी जान कहें, मुझे पता है वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगी, बल्कि खुश होंगी। आपको तो पता है अब तो वो बहुत अच्छी हो गई है ना? बेटी, मुझे अपने हाथ में रहने दो। वो बड़ी बेगम साहिबा है और हमेशा रहेंगी। सोचो बेटी, बहुत रात हो गई है। सुमैरा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना है। रेहान और सायका की शादी का फैसला हो चुका है, और इससे पहले कि उनकी शादी की तारीख तय हो, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। क्या आप ठीक तो हैं? आपको मालूम है कि आप क्या बात कर रही हैं? आपने इतना बड़ा कदम उठाया कैसे? आप जाने में रेहान की भला नहीं रह सकती। गौर से सुनो मेरी बात। अकलमंदी इसी में है कि हार अगर मानी भी जाए तो इस तरह कि वही हार आखिर में आपकी जीत बन जाए। अगर अपनी अनु को सुखरू करना चाहती हो ना, तो तुम्हें यह कदम उठाना होगा। मैं नहीं चाहती कि वहां रेहान और सायका की शादी हो और सब लोग मेरी बच्ची को हमदर्दी से देखें। ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी और का सोच भी नहीं सकती। पागल मत बनो सुमैरा। तुम्हें मिला ही क्या इस यकतरफा मोहब्बत से? मेरा मशवरा तो यह है कि यूं से सकने से बेहतर है कि तुम अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लो। मेरी दोस्त इशरत का बेटा अमेरिका में वेल सेटल्ड है, और तुम्हारा यहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। सोच लो, इन सब को नीचा दिखाने का यही एक तरीका है।
दुख तो इंसान पर आता ही है, मगर दूसरों के सामने खुद को तमाशा मत बनाओ। तुमने अगर रेहान से कभी मोहब्बत की भी थी तो आज इनकार कर दो सबके सामने, कह दो कि तुमने उसे कभी चाहा ही नहीं। तुम खुद उस जैसे लड़के से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। कह दो कि तुम्हें नफरत है उससे, तुम तो उसका मजाक उड़ाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। रेहान और सायका की शादी तय हो, उससे पहले तुम्हारी शादी का ऐलान होगा। अम्मी, अम्मी मैं कैसे रहूंगी उस शख्स के साथ जिसको मैंने कभी देखा नहीं। आप जानती मेरे हाथ से ये सब बाद में देखा जाएगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। इस वक्त तुम्हें खुद को सुरख करना है खुद को, और यही मेरा फैसला है। आप लोग तो खाना नहीं छोड़ रहे, बहुत थोड़ा वक्त रह गया अम्मी, शादी की तैयारी नहीं करनी। अब क्या हमें खाने भी नहीं दोगे? हो जाएगी तैयारी बेटा, क्यों परेशान होते? मैं अपनी तैयारी करने जा रहा हूं। अच्छा जाओ, ये तो खाना भी नहीं खाने दे रहा। खाला जान, मैं आप सब लोगों को एक इत्तला देने आई। बोलो बहू। मैंने सुमैरा का रिश्ता तय कर दिया है। क्या कह रही हो तुम? उसके लिए यही बेहतर है कि वो ऐसे घर में जाए जहां कम से कम उसकी इज्जत और कदर तो हो। कहां तय की है तुमने शादी? मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है इशरत अलवी, उसके बेटे से। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अमेरिका में सेटल है। फौजिया, कम से कम मशवरा तो कर लिया होता। तुमने कौन सा बहन होने का हक अदा किया है जो मैं तुमसे मशवरा करती? फौजिया, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। इसमें मेरी और मेरी बेटी की मर्जी शामिल है, और मेरे लिए यही काफी है। आप लोग अगर मेरी बेटी को अपनी मर्जी से जीने नहीं दे सकते तो कम से कम उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। ये भी कोई कहने की बात है फौजिया? जाहिर है फौजिया, हम सब उसके लिए अच्छा ही चाहेंगे। आप लोगों की किसी बात का कोई एतबार नहीं है। मुझे तो मेरे अपनों ने ही दुख दिए हैं। खूबसूरत है मेरा सनम।
बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। उठी है जो शर्मीली कजरारी आंखें, तो सूरज की लौ थर थराने लगी है। जो सर से गिरा है ये रंगीन आंचल, हया इन नजारों को आने लगी है। धनक टूटिया बदन में जो खम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। गो यस। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है, बात है रेहान, आप बुला रहे थे, आपको पता है सारे नीचे बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से बहाना बना के आई हूं। तुम जानती हो मैं नीचे तो आ नहीं सकता, पाबंदी चल रही मेरे पे, तुम्हें मिलने का हुक्म नहीं है और तुम्हें देखे बगैर रह नहीं सकता, इसीलिए बुलाया तुम्हें।
क्यों, पहले कभी नहीं देखा? इस रूप में कभी नहीं देखा। मैं जा रही हूँ, कोई आ जाएगा रेहान। कुछ देर तो ठहरो साहिका, प्लीज। अगर मैं ठहर गई तो शायद जाने को चाहिए ना जाए। तो ठीक है ना, रुक जाओ, सारा दिन सारी रात बातें करेंगे। मैं सुबह तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ साहिका। एक ही दिन तो रह गया है शादी में, फिर हर सुबह साथ ही तो होगी। ये भी है। खुश तो हो ना? हाँ बहुत खुश। इतनी खुशियां एक साथ मिल गई हैं कि अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही। मैं जा रही हूँ। क्या कर रही हो अम्मा? कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही कुछ अपनी चीजें देख रही थी। क्या बात है माँ, कुछ दिनों से मुझे बहुत परेशान और उदास लग रही हो। जब बेटी की रुखसती का वक्त करीब आ जाता है ना, तो माँ का दिल मुट्ठी में आ जाता है। लेकिन माँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहीं रहूंगी अपनी माँ के पास इस हवेली में। से चली जाओ, मैंने वादा किया था साखा की शादी करा दी। तुम आइंदा यहां नजर ना आओ हमें। जी मैं जा रही हूं बड़ी बेगम साहब। एक सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है, दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी है। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है।
बचपन से लेके अब तक मैंने तुम्हें कितना चाहा है, तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। आज तुम किसी और के होने जा रहे हो, इस बात का मुझे कितना दुख है। ये बात तुम्हें बहुत देर में समझ आएगी। रेहान, मैं 2 मिनट में आऊं। कहाँ जाना? वो घबराहट हो रही है, अम्मा को बस देखना है, चेक करना है कि ठीक है। सायका, अम्मा ठीक होंगी, क्यों फिक्र कर रही हो? नहीं रेहान, वो रुखसती पे भी नहीं थी और कब से उनको नहीं देखा, बस 2 मिनट में आती हूँ। रेहान, रेहान, क्या हुआ सायखा? रेहान पता नहीं, पूरी हवेली में ढूंढा है, अम्मा कहीं भी नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने कहा था ना कि कोई बात जरूर है, पता नहीं कहाँ चली गई है, रुखसती पे भी नहीं थी। रेहान मैं क्या करूँ?
पक्का यही होगी। अब रुको मैं देखता हूँ, परेशान मत हो, मैं दो मिनट में आया। पता नहीं अम्मा कहाँ गई हैं, मेरी बेचारी अम्मा, अम्मा कहाँ हैं? साहिबा आओ मेरे साथ। कहाँ? मुझे पता है तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं, जल्दी करो देर हो जाएगी, आओ। प्लीज जल्दी चलाएं, जरा सा और तेज। रिहान अम्मा मुझे ऐसे बताए बगैर कैसे जा सकती हैं? के पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं, वो कहाँ गई होंगी? कोई तो वजह होगी साइकिल, ऐसे तो नहीं वो जा सकती ना यहाँ से। इस हवेली में कोई भी कुछ भी कर सकता है। जा रहे हैं ना तुम, परेशान ना हो। सुमेरा नहीं मिल रही बेटा, यही होगी कहीं, कमरों में देखा है? नहीं है, अपने कमरे में भी नहीं है। सुमेरा बीबी तो गाड़ी लेकर गई है बाहर, बहुत देर से गई है, अभी भी चौकीदार ने बताया, और वो कह रहा था कि वो सायका बीबी की अम्मी कह रही थी। अच्छा तुम इधर उधर की बातें छोड़ो, जाके देखो बाहर। जी बेहतर। गाड़ी में गई है ना, कोई गया होगा उसके साथ, अकेली तो नहीं गई होगी, परेशान मत हो, चलो। अम्मा अम्मा वो देखो सायका, अम्मा ही बैठी हैं। अम्मा 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 कहाँ जा रही थी मुझे छोड़ के, और इस तरह चुपके चुपके क्यों क्यों अम्मा क्यों? मेरे पीछे पीछे क्यों आई हो? क्यों ना हो मैं पीछे पीछे, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही थी, मुझे जवाब दो। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, शादी की रात इस तरह दुल्हने घर छोड़कर नहीं निकला करती, और माएं अपनी बेटियों को सुहाग रात में अकेला छोड़ आती हैं। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब मैं आजाद हूं। किसने कहा कि तुम आजाद हो? मुझे अभी पूरी तरह बेटी का प्यार तो दे दो। बीबी जी सामान रख दिया है, गाड़ी आने वाली है, मैं जाऊं? कहां भेजो तुम अम्मा को, कहां भेजो इनको बताओ। बेटा इसे छोड़ दो, इसका क्या कसूर है, ये तो हुक्म पूरा कर रहा है। हुक्म?
किसका हुक्म है ये? बोलो किसका हुक्म है? बड़ी बेगम साहब का हुक्म है जी। बड़ी बेगम साहब? कहाँ भेज रहे थे इनको? कहाँ भेज रहे थे बताओ? पुरानी हवेली साहब। पुरानी हवेली क्यों? मैं पूछ रहा हूँ पुरानी हवेली क्यों? बेटे इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें बताती। तुम हवेली से चली जाओ ना जी। बज़ाहिर इस हवेली वालों को यही नजर आएगा कि तुम यहाँ से निकाल दी गई हो, मगर ऐसा नहीं होगा। और मेरी बच्ची? वो यहीं रहेगी, तुम्हारी खबर लेते रहेंगे हम, लेकिन दूसरों को तुम्हारी खबर नहीं होगी। सायका को भी नहीं? नहीं। तो मेरा उठो, मेरी बच्ची उठो, कहाँ चली गई तुम दिमाग को छोड़ के? तो मेरा उठो, आगे करो मेरी जान, कहाँ चली गई तुम दिमाग को छोड़ के? अरे कोई मेरी बच्ची को उठाओ, कोई मेरी बच्ची को उठाओ। तो मेरा आगे खोलो, ये नहीं हो सकता। तो मेरा आगे खोल के अपनी माँ को देखो, उठाओ मेरी बच्ची को, कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? आप सब लोग मेरी बच्ची की मौत के जिम्मेदार हैं, आप सब लोग। मेरी बच्ची से सकती नहीं, बिलकती रही मेरी बच्ची, इसके ख्वाब टूटते रहे, इसकी हकदर्पी होती रही, मगर आप सब लोग तमाशा देखते रहे। इसी वजह से मेरी बच्ची ने अपनी जान दे दी। अब कोई मेरी बच्ची को वापस लाओ, वापस लाओ मेरी बच्ची को। सुमेरा आंखें खोलो, सुमेरा अपनी माँ की तरफ देखो, सुमेरा। मेरी बच्ची को वापस लाओ, वापस लाओ मेरी बच्ची, सुमेरा, 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 सुमेरा। इसीलिए मैं आप सब लोगों को मना करता था कि अपनी अपनी अना की जंग मत लड़िए, इसमें सिवाय शिकस्त के और कुछ नहीं। अगर आप लोगों ने अपनी इस जंग में अपनी हर नस्ल को घसीटा और आपकी हर नस्ल को इसकी सजा भुगतनी पड़ी। आप सब लोगों ने हर वक्त हर जमाने में मुझे चुप कराने की कोशिश की और मैं चुप रहा। ये वो अंजाम था जो मैं तब भी देख रहा था जो आप आज देख रहे हैं। अम्मी हुजूर, आना बड़ी चीज नहीं होती, औलाद बड़ी चीज होती है, और औलाद किसी की मिल्कियत नहीं होती, इंसान होती है, इंसान होती है, और उन्हें जिंदगी में जीने का हक दे दीजिए प्लीज, उनसे जीने का हक मत छीनिए। अच्छी नहीं, अगर आपने तो उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। यूसुफ, आपने ताहिर को अपनी आना की भेंट चढ़ा दिया था, और आज आपने सुमेरा को अपनी तरह अना की जंग लड़ना सिखा कर इस अंजाम तक पहुंचा दिया आपने, उसको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, इस अंजाम तक पहुंचा दिया। Thank you.
माफी चाहता हूं बड़ी बेगम साहिबा। सुमेरा की लाश तो आपने देख ली होगी। आप जानती हैं इस घर में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कहां तक हुकूमत करना चाहती हैं बड़ी बेगम साहिबा? कहां तक बोलिए। इंसान की रसाई तो उसकी अगली सांस तक नहीं है और आप खुदा की लाठी कितनी बेआवाज है। जिस खाई में नाजी चची ने कूद कर अपनी जवानी अपना चेहरा गवा दिया उसी खाई में सुमेरा ने खुद कर अपनी जान दे दी। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है बड़ी बेगम साहिबा? आप तो चौंकी नहीं बल्कि आपने तो एक बार फिर नाजी चची को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया। आप मुझे ये बताइए कि आपके तकब्बुर की हद कहां तक है? बताइए मुझे कहां तक है? मैं उस हद को पार करना चाहता हूं। सायका भी उसी पुरानी हवेली चली गई है जहां आपने उसकी मां को सजा काटने भेजा था। जुल्म कभी नहीं छुपता चाहे उस पर लाख पर्दे डाले जाएं। कितनी जालिम है आप। मैं आपको इत्तला देने आया हूं कि अब सायका और नाजी चची ना तो जुल्म सहेंगी और ना ही सजा काटेंगी। मैं उनको लेके यहां से दूर जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। और याद रखिएगा एक एक करके सब लोग आपसे दूर चले जाएंगे, छोड़ देंगे आपको और आप अपने इस बुत कदे में तन्हा रह जाएंगी, बिल्कुल तन्हा। आज मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं नाजी। मामला अब ये नहीं कि तुम मुझे बहू की हैसियत में कबूल हो कि नहीं, बल्कि मामला ये है कि मैं तुम्हें अपने गुनाहों और अपनी खताओं के समेत कबूल हूं कि नहीं। मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो। हालांकि मैं माफी के काबिल भी नहीं। जिंदगी के जितने दिन बाकी मैं यूं ही तुम्हारे सामने तुम्हारी माफी की तलबगार रहूंगी। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने आपको माफ किया बड़ी बेगम साहिबा। मुझे बड़ी बेगम साहिबा मत कहो ना जी, मत कहो। मैं बहुत छोटी हूं, बहुत छोटी। अगर तुमने मुझे माफ किया है तो उसी तरह पुकारो जैसे मेरा ताहिर पुकारता था। आज मुझे तुम्हारे चेहरे में अपना ताहिर नजर आता है। दादी, thank you.
सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है, दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी है। एक सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। सजा दे मुझको कुछ तो मैं उल्फत का सिला दे मुझको, जिस्म से रूह का रिश्ता नहीं टूटा है अभी, हाथ से सब्र का दामन नहीं छूटा है अभी, अभी जलते हुए ख्वाबों का धुआं बाकी है। एक सितम और मेरी जान अभी जान से मेरे प्यार का दामन भर दे, दिले दोस्ताख को मेहरों ने मोहब्बत कर दे, देख टूटा नहीं चाहत का हसीं ताज महल, आके बिखरे नहीं महकी हुई यादों के कंवल, अभी तकदीर के गुलशन में खिजां बाकी है। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है, दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी है। एक सितम और मेरी जान अभी जान।